पंजाब हुकूमत ने इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स में भर्तियों के लिए उम्मीदवारों की जिस्मानी फिटनेस परखने के लिए दौड़ लगवाई गई। मुल्तान और फैसलाबाद में पहले मरहले में 2500 उम्मीदवारों ने रेस में हिस्सा लिया। रेस का मरहला 4 रोज तक जारी रहेगा और मजमूई तौर पर कामयाब करार पाने वाले उम्मीदवार एंट्री टेस्ट में बैठने के अहल होंगे। इंशाल्लाह बड़ी की तैयारी की है, इंशाल्लाह हो जाएंगे। हम इस फोर्स का हिस्सा जरूर बनेंगे और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा सब में होता है, बस इसी जज्बे को लेके यहाँ पे पहुँचे। किसी शहर में भी तकरीबन अमन व अमान नहीं है, तो हमें हमारी यही ख्वाहिश होगी कि हम सिलेक्ट होते हैं, इंशाल्लाह होंगे तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जितना इस चीज को कंट्रोल कर सकें। उम्मीदवारों को 1 मील का फासला 8 मिनट में तय करना था। रेस के दौरान उम्मीदवारों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए एम्बुलेंस तैयार रही और सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। 14 से लेकर 18 तक की प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर जो क्वालिफाई करेंगे रिटर्न के लिए उनका रिटर्न टेस्ट होगा। नेशनल टेस्टिंग सर्विस वाले उनका रिटर्न टेस्ट लेंगे और फिर बाद में फाइनल इंटरव्यू होगा और सिलेक्शन होगा। इंसदाद दहशत गर्दी फोर्स की 5700 सीटों के लिए सिर्फ मुल्तान और फैसलाबाद से 10600 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं।